दोस्तों, कुल 8,720 पदों के लिए बंपर सरकारी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ चुका है। 18/5/2023 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इन पदों के लिए शुरू हो जाएगी और आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 1/6/2023 है। और अगर आपसे कोई गलती हो गई है ऑनलाइन आवेदन करते समय, तो आप उसमें कुछ संशोधन भी कर सकते हैं और वो आप कर सकते हैं 18/5/2023 से 6/6/2023 तक। मतलब आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद भी आपको 4-5 दिन का समय मिलेगा आवेदन पत्र में संशोधन करने का। कुल पद जैसे मैंने आपको बताया 8,720 है। लगभग सभी सब्जेक्ट्स इसमें शामिल हैं। सब्जेक्ट ये देखिए आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं। हिंदी के कुल पद 509 है, इंग्लिश के कुल पद 1,763, संस्कृत के 508, उर्दू के 42, मैथ के 1,362, बायोलॉजी के 755, फिजिक्स के 777, केमिस्ट्री के 781, हिस्ट्री के 304, पॉलिटिकल साइंस के 284, ज्योग्राफी के 149, इकोनॉमिक्स के 287, सोशियोलॉजी के 88, कॉमर्स के 514, एग्रीकल्चर के 569, होम साइंस के 28। कुल पद ये हो गए हैं 8,720। जहां तक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट की बात है, मेल कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट 40 साल है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट यहाँ 45 साल निर्धारित की गई है। दोस्तों, कुछ कुछ मेन मेन जानकारी मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड करा दी है। बाकी की जानकारी के लिए अब चलते हैं इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन की तरफ, उसके माध्यम से देख लेते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स की ये रिक्रूटमेंट है, मतलब सरकारी शिक्षकों की भर्ती का ये विज्ञापन है। ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। अब आयु सीमा देखिए, मिनिमम आयु 21 वर्ष है, मैक्सिमम मैं आपको बता चुका हूँ मेल और फीमेल के लिए। और इनके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अपर एज लिमिट 45 साल निर्धारित की गई है। अतिथि शिक्षक पुरुष आवेदकों के लिए 49 साल, महिला आवेदकों के लिए 54 साल और बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए अपर एज लिमिट 54 साल यहाँ निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1/1/2023 के आधार पर की जाएगी। और जहाँ तक रिक्रूटमेंट की बात है, ये जो रिक्रूटमेंट है ये आ रही है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से। डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ₹500 प्रति प्रश्न पत्र एप्लीकेशन फीस है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ₹250 प्रति प्रश्न पत्र एप्लीकेशन फीस है। केवल सीधी भर्ती, बैकलॉग पदों हेतु कोई शुल्क आपका नहीं लगेगा। और ये देखिएगा, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्हर पाए गए अभ्यर्थी ही इस चयन परीक्षा में आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 क्लियर कर रखी है निर्धारित प्रतिशत अंकों के साथ, तो ही आप इस शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है esb.mp.gov.in। 18/5/2023 से आवेदन की प्रक्रिया इनकी शुरू हो जाएगी। अब इनकी सैलरी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी तो अब आपको पता लग ही गई होगी, शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो एलिजिबिलिटी थी वही यहाँ पे लागू होती है। पदों का विवरण है, उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद हैं, पद की श्रेणी है द्वितीय श्रेणी है, एज लिमिट मैंने आपको बता दी है। अनुसूचित जनजाति के लिए 20% पद रिजर्व है, अनुसूचित जाति के लिए 16, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% पद रिजर्व है। 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित यहाँ रहेंगे। न्यूनतम वेतन ₹36,200 प्लस महंगाई भत्ता आपको ये मिल जाएगा। भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार प्रवीक्षा अवधि वेतन देय होगा, तो ये यहाँ सैलरी निर्धारित की गई है। चयन हेतु परीक्षा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों एवं दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए, केवल उनके लिए पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 50% अहरकारी अंक का लाभ मान्य किया जाएगा। मतलब जो कैटेगरी यहाँ दर्शाई गई है उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में 50% अंक होने आवश्यक हैं अगर वो आवेदन करना चाहते हैं। बाकी के लिए 60% अंक होने आवश्यक हैं अगर वो आप आवेदन करना चाहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मेन मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।